दोस्तों, जब भी हम अपने फ़ोन के डायलर में जाते हैं कहीं कॉल करने के लिए, तो हमारे फ़ोन का जो डायलर स्क्रीन होता है इस तरीके का कुछ सिंपली होता है, मतलब कि बिल्कुल सिंपल होता है। तो हमें थोड़ा चलाते चलाते इसको हम बोर हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं ऐसा एक डायलर स्क्रीन बताने वाला हूँ कि उसमें आप अपना फोटो लगा सकते हो या फिर कस्टमाइज करके कोई सा भी स्क्रीन लगा सकते हो बैकग्राउंड में। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं बता दूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइज आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद मैं अपना ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको सर्च करना है माई फोटो फोन डायलर, मतलब कि मैंने जो ऊपर सर्च किया हो आपको देख लेना है, वैसे ही सिंपली सर्च करना है। और यहाँ पे मैंने जो एप्लीकेशन में जो बता रहा हूँ आपको वहीं डाउनलोड कर लेना है। तो अभी ये ऊपर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर सबसे नीचे चले जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मोर रिजल्ट, सबसे नीचे इसको मैंने सर्च किया। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला एप्लीकेशन है, मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है। अगर आपको ये एप्लीकेशन नहीं मिलता है प्ले स्टोर पे, आप ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा हूँ, आप वहाँ पे टच करके सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है, तो मैं सिंपली उसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। उसके बाद गाइज कुछ इस तरीके का स्क्रीन आएगा। तो नीचे दो ऑप्शन बना हुआ है, फ़ोन डायलर, उसके बाद उसके बगल में बना हुआ है डायलर थीम। तो आपको थीम वाले पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जितने भी परमिशन मांगेगा उसको ओलो कर देना है। मैं यहाँ पे ओलो कर देता हूँ। ओलो करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, फर्स्ट पे लिखा है बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे जाना है आपको। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद क्या करना है गाइज, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आ रहा है, एक ही ऑप्शन है इसमें, तो आपको इस पर टच करना है। इस पर टच करने के बाद यहाँ पे नीचे आपके तीन तीन ऑप्शन बन जाएंगे, कैमरा, फोटो और ड्राइव का। तो आपको फोटो वाले पे टच करना है और आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से गाइज आप कोई सा भी अपना फोटो ले सकते हो, जैसे मैंने ये वाली फोटो अपनी ले ली, देख सकते हैं गाइज मैंने इसको क्रॉप करके मैंने पूरा फेस पे कर दिया हुआ है। अब इसको सबसे ऊपर यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है, इसको टच करना है। टच करने के बाद ये कट जाएगी। अब देख सकते हैं गाइज मेरा यहाँ फोटो आ गया है। अब मैं इसको एक बार और टच करके, नीचे यहाँ सेट बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैंने ओके कर दिया। अब ये मेरा सेट हो गया। अब आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद सबसे ऊपर देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ोन डायलर, आपको इस पर टच करना है। इस पर टच करने के बाद गाइज आप देख सकते हैं कि आपके सारे डाटा हो गए, मतलब कि जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, उसके बाद नीचे आपके यहाँ पे नंबर आप टच कर सकते हैं। उसके बाद गाइज एक चीज़ और बता सकता हूँ कि जैसे यहाँ पे आपका फोटो जैसे लगा हुआ है, यहाँ पे आप कोई सा भी कंप्यूटराइज फोटो लगा सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड पर टच करना है और यहाँ पर आपको अपना डाटा ऑन कर लेना है। मैंने यहाँ पर डाटा अपना ऑन कर लिया और यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन बने हुए हैं, जैसे माई फोटो, ट्रेंडिंग, गर्ल्स, ऑब्स्ट्रैक्ट्स, फायरवर्क्स। तो मैं ट्रेंडिंग वाले पर जाता हूँ और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। उसके बाद गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। तो आप अपना फोटो ना लगा करके आप चाहें तो ये सब फोटोज लगा सकते हैं, यहाँ पे ढेर सारे फोटोज बने हुए हैं। तो मैं सेकंड वाले को टच करता हूँ, तो ये थोड़ा सा टाइम लेकर के डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे सेट बैकग्राउंड का एक ऑप्शन बना हुआ है, तो आपको इस पर टच कर देना है। अब देख सकते हैं आप, सही का ट्रिक लग गया, मतलब कि ये सेट हो गए। अब आपको बैक चले जाना है। अब आप फोन डायलर जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है आप उस पर टच करोगे, तो आप देख सकते हो वो वाली फोटो यहाँ पे लग गई है और कैसा एनिमेशन आ रहा है। और ये जो कीपैड बना हुआ है 1 2 3 4 जो हार्ट का, इसमें सिंबल बना हुआ है, आप चाहे तो ये भी चेंज कर सकते हो। इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे सेकंड पे एक ऑप्शन आ रहा है डायलर बटन का, आपको उस पर टच करना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन बने हुए हैं, आप यहाँ से कोई सा भी लगा सकते हो। जैसे मैं ये वाला टच करता हूँ, ये वाला सिलेक्ट कर दिया और बैक हो गया। अब फोन डायलर पर टच करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि इस तरीके का कुछ इंटरफेस आएगा। ये सब करने के बाद गाइज आपको क्या करना है, बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपका जो फ़ोन डायलर का जो ऐप्स है आपको यहाँ से ऊपर कर देना है, और जो आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है आपको सिंपली इसको यहाँ पे कर देना है। और जब भी आपको कॉल करनी है तो आप इस पर जैसे टच करोगे आपका इस तरीके का कुछ खुलेगा। तो इस तरीके से गाइज अपने फ़ोन में आप इस तरह का कुछ एनिमेशन लगा सकते हो, अपना फोटो लगा सकते हो। तो आज की वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है सेट करने में तो कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका जरूर से जरूर रिप्लाई करूंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई ऐसी ट्रिक लेकर के। जय हिंद।